लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना ही कुछ रैकेट खरीदने की ज़रूरत है ना ही कोई बैट ना कोई स्पेशल जूते उनको सिर्फ जिगर चाहिए ताकत चाहिए और टेक्निक चाहिए क्योंकि ये ये सिर्फ ताकत खेल नहीं है। सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया कि जब आप पंजा लड़ाते हो साथ में तो कौन, कौन जीता है? जीता है। हाँ। और तो, तो सलमान हाँ, खान दीज आर एक्टर्स और, और uh, मुझे लगता है एट एवरी uh, uh, है शाहरुख खान पर भी और uh, सलमान खान पर भी सो यू नॉट डिनाई दैम आई थिंक आई रोल रादर देन द एक्टर और द एक्ट्रेस एंड द डायरेक्टर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगी तो और आप देखिए प्रो पंजा लीग आ रहा है जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक सोनी स्पोर्ट्स टेन थ्री सेवन पी एम टू 9 पीएम हेलो सलाम एंड नमस्ते दर्शकों हमारे साथ जो आज गपशप करने के लिए आए हैं वो हैं द मोहब्बत ए गर्ल जिनकी स्माइल पर फिदा है लोग प्रीति एंड वेरी हैंडसम परवीन वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव गाइस थैंक थैंक यू यू सो सो मच दोस्तों ये दोनों आज किसी फिल्म या सीरीज से रिलेटेड बातें करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने न्यू वेंचर प्रो पंजा लीग के से हमें रूबरू कराने के लिए आए हैं सो परवीन एंड प्रीति लाइक क्रिकेट है फुटबॉल है हॉकी टेनिस ये सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है प्रो पंजा लीग का आइडिया आपको कैसे आया और इसकी प्लानिंग आप लोगों ने कैसे शुरू की पंजाबी लोगों के दिल में बहुत सालों से बसा हुआ है और ये एक सही में भारत का खेल है क्योंकि जो भारत के लोग हैं किसी भी गली में कहीं से भी ये हर जगह खेला जाता है लेकिन प्रोफेशनली पहली बार हाँ, खेला गया तो पहली बार जाना गया कि टेबल कैसा होता है उसके रूल्स कैसे हैं ये वो लेकिन एज अ खेल बहुत सालों से खेला गया है इनफैक्ट इसका जो बर्थ भी है दो तीन कंट्री कंट्रियाँ जहाँ पे बोला जाता है कि इसका बर्थ यहाँ पे हुआ था जिसमें भारत भी एक देश है तो ये एक इंडिजिनस स्पॉट भी है भारत का और ऑफकोर्स ये अभी हर आ, आ, देश में फैला हुआ है हर जगह है, लेकिन भारत में इसका एक ऑफकोर्स जैसे आपको मालूम है एक भारतीय नाम भी है पंजा बाहर इसको आर्म रेसलिंग से जाना जाता है और इसमें सबसे खूब बात हमको ये लगी कि ये सही में भारत का खेल है जिसमें लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना ही कुछ रैकेट ख़रीदने की ज़रूरत है ना है कोई बैट ना कोई स्पेशल जूते उनको सिर्फ जिगर चाहिए ताकत चाहिए और टेक्निक चाहिए किस क्योंकि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है इसमें टेक्निक है बहुत तो ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है बहुत और लोग भी जब देखेंगे तो उनको समझ में आना शुरू होगा कि ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आप बड़े हो बॉडी बिल्डर हो तो आप जीत सकते हो नहीं एक पतला आदमी भी अगर टेक्निक के साथ खेलता है तो वो उसको हरा सकता है सो so, जैसे हर स्पोर्ट्स में प्रोज होते हैं कॉन्स भी होते हैं सो so, इसमें प्लेयर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा खेलते वक्त यस yes. खेलते वक्त ऑफ कोर्स एक पोजीशन होता है एक प्रैक्टिस होता है कि जो नया खिलाड़ी है ये नहीं है कि आप सीधा ही टेबल पर चले गए और किसी एक्सपीरियंस वाले के साथ खेलना शुरू किया पहले जो आर्म के मसल्स हैं वो डेवलप करने पड़ते हैं सर्टन एक्सरसाइज के साथ वो भी टाइम लगता है ये नहीं है कि आप सीधा टेबल पे चले गए चोट नहीं लगनी चाहिए तो उसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है सो so, ये तो प्रोज हो गए और कॉन्स जो प्लेयर्स को ध्यान में रखना होगा ये एक्चुअली कौन से अच्छा, प्रोज, <laughs> प्रोज, प्रोज मैं बताता हूँ प्रोज ये है कि एक आ, 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 ये गेम है ऐसा है जो जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए और अगर एक टेबल एक जगह में लगा दो तो वो पूरा गांव पूरा उस एरिया के लोग खेल खेल सकते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइम पे और एक फिटनेस को लेके एक स्ट्रेंथ को लेके एक बहुत अच्छा ये है कि जो यूथ हैं उनको एक अच्छा फिटनेस का वो ज़रिया दिया गया है विदाउट एनी एक्सपेंसिव एक्विपमेंट और सो जैसे इसमें सेलेक्ट होने के लिए लाइक like, प्लेयर्स को पार्टिसिपेंट्स को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा लाइक like, क्रैक करना होगा

पंजा तो हम लड़ाते रहते हैं मतलब <laughs> और ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया कि जब आप पंजा लड़ाते हो साथ में तो कौन कौन जीता, जीता है हाँ, और तो, वो तो है हाँ क्योंकि जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें घर भी आना है <laughs> <नहीं पाएंगे। laughs> तो ये जीत नहीं पाएंगे बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे पंजा के एथलीट्स हैं भारत के वो बहुत सालों से काफी सालों से एक एमेच्योर लेवल पे खेल रहे हैं तो दे ये एथलीट्स जो हैं वो भारत के हर एक भाग से आते हैं पार्ट से आते हैं और अब प्रोपंजा लीग को लेकर जब उन्हें एक प्रोफेशनल स्टेज मिला है जो 28 जुलाई को लाइव आएगा तो उनमें एक्साइटमेंट कितना है मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि वो इतने सालों से एक ही ये खेल खेल रहे हैं लेकिन जो उन्हें वो रिकग्निशन एज एन एथलीट मिलना चाहिए वो अब मिलते जा रहा है और आप जब वो नेशनल टीवी पर लाइव आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट नॉट जस्ट फॉर अस बट ऑल्सो फॉर ऑल आर एथलीट्स ऑफ पंजाब सो एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्राउड कि प्रो पंजाब लीग इस इस खेल को जो लार्जली खेला जाता था लेकिन लोगों ने इसे ये अब तक देखा नहीं है प्रोफेशनली खेले हुए हम इसे एक स्टेज दे पा रहे हैं एक स्पोर्ट जिसमें इतने सारे लोग नहीं थे जैसे काफ़ी स्पोर्ट्स में इत... बहुत सपोर्ट है सारे स्पोर्ट्स को लेकिन ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसके पास वो सपोर्ट नहीं था इन एथलीट्स को वो सपोर्ट नहीं था और आज ये मुकाम आ गया है कि उन्हें एक स्टेज मिल रहा है जो क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड पर भी एशियन लेवल पर भी खेला हुआ है हमारे एथलीट्स ने और वर्ल्ड पर भी खेला हुआ है इडल्स भी जीते हुए हैं लेकिन बाकी एथलीट्स की तरह उन्हें ये रिकग्निशन नहीं मिला है जो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट दे आर गोइंग गेटिंग दैट नाउ विद प्रो पंजाली दे विल बी हैव एन प्रोफेशनल स्टेज आल्सो सो ये सब तो हमने प्रो पंजला लीग के बारे में बात कर ली अब थोड़े सवाल हटके करते तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई ये इंटरेस्टिंग है काफी पहली मुलाकात हुई थी डब्बू रतलानी है फोटोग्राफर आ, आ, उनकी शादी में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था आ, 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 अकेला गया था उस टाइम और आ, बैठा हुआ था और प्रीति सामने से ऐसे गुजर रही थी और वेव कर रही थी किसी को हाय ये, ये वो तो मैंने मुझे लगा किसी और को वेव कर रही होगी तो मैंने कुछ वापस जवाब नहीं दिया तो बाद में जब वो थोड़ा मुंह बना के ऐसे चली गई तो मैंने पीछे देखा कि किसको हेलो बोल रही और पीछे मेरी दीवार थी ऐसे ही तो मैंने शिट। <laughs> मैं, मुझे यहाँ बोल, बोल रही थी फिर मैंने कहा यार ये तो सोचे कि पता नहीं किस किस्म का बदतमीज़ लड़का है और बेवकूफ़ है कि इतनी सुंदर लड़की हेलो बोल रही है और मैं वापस जवाब ही नहीं दिया तो फिर मैंने ढूंढा इनको और फिर ये आ, मिली एक जगह पर और फिर मैंने बोला सॉरी आप हेलो बोल रहे थे मुझे लगा आप किसी और को हाँ। बोल रहे थे बट सॉरी बहुत है मुझे शी मुझे लगा कि हम पहले मिल चुके हैं लेकिन हम उससे पहले नहीं मिले थे इसलिए मैं हेलो बोल रही था मैंने कहा सो इट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट वो हमने मनाली में तीस दिन शूट की। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने फिल्म के सेट पर ही हमारा रोमांस चालू हो गया क्योंकि वो मनाली में था <laughs> ऐसा नहीं था क्योंकि आई थिंक हम बहुत काफी प्राइवेट इंसान है और सेट पर भी काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं सो so, uh, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान आई थिंक uh, हमारी क्लोजनेस हमारी क्लोजनेस बढ़ी क्योंकि आपका माइंड थोड़ा फ्री होता है प्रमोशन्स के दौरान और आप uh, अपने शॉर्ट पे आपने सीन पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द फिल्म प्रमोशन वी गॉट क्वाइट क्लोज बहुत uh, बहुत सारे आजकल तो दौरा दौर आ गया कि बहुत इतना इतना प्रमोशन इतने प्रमोशन्स होते हैं इतना टूरिंग होता है सो वी गॉट क्लोज है प्रीति की कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है पागल uh आपकी कौन कौन सी सी फिल्म? फिल्म इनकी फिल्म है जो आपको पसंद See, है? मानसून वेडिंग इज अ क्लासिक मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी लेकिन घोसला का घोसला भी एक, आ, एक उनकी कोई फिल्म्स हैं जो अभी रिलीज नहीं हुई है उनमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है जो मैंने देखा है लेकिन किसी और ने नहीं, नहीं देखा हाँ। एक फिल्म है द रूम जो सून रिलीज होगी और मेड इन हेवन टू भी अभी वो भी, भी अनुपम खेर जी के साथ है मेड इन हेवन टू आल्सो सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट हिज फोर्थ कमिंग रिलीजेस आल्सो सो एक तरफ एक्टिंग भी चल रही है और एक तरफ प्रो पंजाली हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग दिस सो टाइम मैनेजमेंट इट्स इट्स नॉट इजी लेट्स जस्ट से दैट इट्स क्वाइट हेक्टिक बट मैनेज कर रहे हैं yeah. काफी काफी uh, काफ़ी मुश्किल होता है हम uh, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं hmm. uh, और काफ़ी चीज़ें बहुत ही अलग फील्ड्स हैं जो एक स्पोर्ट का फील्ड है या एक एंटरटेनमेंट का फील्ड है और यह हमारी फिल्म कंपनी जो है स्वेन uh, एंटरटेनमेंट हम उसे भी मैनेज करते हैं सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर मैनेजिंग बट राइट नाउ हमारा फोकस जो है वो प्रोपंजा लीग पे सो hmm. लाइक so like, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या प्लानिंग कि उनके साथ ऑफर आए एंड यू वॉन्ट टू यू सी योर सेल्फ विद दैम I think I would want to concentrate more on a role hmm. uh, rather than uh, the actor or the actress. or and the director. Hmm. Uh, बहुत सारे directors हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी hmm. and uh, so and and lot of stories and lot of characters and roles that I feel I would like to portray. Even uh, one of my favorite uh, roles is always that of an army officer. Hmm. क्योंकि मुझे force से बहुत लगाव और प्रेम है। और मेरा नाम force ही है। Yeah exactly। <laughs> <liya. laughs> <laughs> इसके ऊपर मैं joke नहीं मार सकता। <laughs> कि फौज के साथ प्रेम है और तो वहीं पे रुक जाता हूँ मैं वहीं पे रुक जाता हूँ <laughs> लेकिन फ़ौज के साथ बहुत लगाव है क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे सरहद पे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ छाड़ के वहाँ पे होते हैं और इनमें कितना सारा इमोशन एक देश के लिए प्रेम एक फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो जो रोल होता है हमेशा बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड होता है एक मैंने अभी जी फाइव के लिए किया था

मुझे अभी याद नहीं या, है क्योंकि बहुत टाइम पहले था लेकिन एक बहुत ही लंबी के लिए आप थोड़ा सा वो पोएम याद नहीं कर सकते अभी वो उसका बहुत, फोटो बहुत नहीं खींचा <laughs> हुआ है, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता बट वो मैंने काफ़ी एक लंबा पोएम हाथ से लिख के एक जो पुराना पेपर होता ना स्क्रोल टाइप बना के वो पहले इनको डिनर वगैरह पे ले गया था फिर बाद में वो पोएम वगैरह दी और अंगूठी वगैरह दी तो मोमबत्ती वगैरह काफ़ी एक रोमांटिक माहौल ऐसे बनाया कि ना बोलना मुश्किल हो गया तो <laughs> प्रीति <laughs> so, आपने थोड़ा वक्त लिया या आपने बोल दिया ठीक है ओके आई एम फाइन आई वुड लाइक टू से कि मैंने वक्त लिया मैंने मुझे थोड़ा टाइम <laughs> दो लेकिन मैंने हाँ <laughs> कह दी थी इमिजिएटली <laughs> सो so, जब दोनों में झगड़ा होता है आई एम श्योर हम लड़कियों में ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहाने ढूंढ लेते हैं झगड़ा करने के लिए तो ये आप... आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है

कौन मनाता है आई थिंक हम बहुत काफ़ी रीज़नेबल हैं लेकिन uh, मुझे लगता है मैं uh, ज़्यादा uh, कामर हूँ और इतना गुस्सा मुझे नहीं आता है और मैं ज़्यादा चीज़ों को भुला सकती हूँ आई थिंक एक वक्त के बाद यू रियलाइज कि कि किस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ कि ये झगड़ा नहीं बोलूँगा लेकिन सॉर्ट आउट करना है हाँ। और क्या चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है कि हाँ। थोड़ा सा ठीक है बहस के बाद वो बात ख़त्म हो जाती है मोस्टली चीज़ें जिन जिन पर कपल्स में के बीच जिन पर झगड़ा होता है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हाँ, <laughs> और हाँ yes. दो दिन बाद सोच रहे तो कि आपको लगता है कि मैं किस चीज़ पर ये बहस हो रही थी सो सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है विच विल बी माय लास्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट एक्टर कौन है लाइक आपने शाहरुख खान के साथ काम किया है एंड आई एम श्योर मेरा कैमरा पर्सन अभी पीछे से गैस कर चुका होगा मैं किसका नाम लेने वाली सो हाउ मतलब आई पर्सनली लाइक लाइक और लव सलमान खान सो आप मुझे बताइए दैट आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है दोनों का सी कैन शाहरुख खान और सलमान खान दीज आर आइकॉनिक एक्टर्स और मुझे लगता है एट एवरी टाइम हमें क्रश uh, uh, हुआ है शाहरुख खान पर भी और सलमान uh, खान पर भी सो यू नॉट डिनाई दैम

कि कोर्स आई वर्क विद शाहरुख भाई वेरी गिविंग एजन इज इज ग्रेट टू वर्क विद आई अनुपम जी एंड नसीर भाई बिकॉज देर वेरी एक्टर एक्टर्स यू नो उनके साथ सीन करने में मजा आता है यू नो बजू कैन ट्राइड इन डिफरेंट वेज उस सीन के साथ खेल सकते हैं ये कर सकते हैं वो कर सकते हो तो वो एक एज एन एक्टर बहुत सैटिस्फेक्शन एक्ट्रेस आई वुड से इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद प्रीति जिंटा ऑल्सो इन दीरो because uh, you know she's got a lot of energy and everything and uh, uh, you know, there's a, a, quite a, uh, a few It was lovely working with Preeti ji also <laughs> And uh, Preeti ji yeah. Preeti. <laughs> So as an actress Preeti ji So and uh, uh, you know it was actually fun working in Ragni MMS also with uh, Sunny Leone and uh, uh, Kajolji was great. Also in uh, Made in uh, Sorry, made, uh, 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 My Name is Khan. So she's great. She's she's so you know down to earth and lovely and supportive. I think she's really even though I was not opposite her, you know, but you know we we in the same film together. So I think she's amazing. Mm -hmm. You know. So this is the Pro Punjab League, where we it? can watch it on Sony 10 live every night. Mm -hmm. अ जुलाई ट्वेंटी एट टू अगस्त थर्टीन सात से नौ बजे ओ ट्राइम टाइम हाय गाइस दिस इज प्रवीण दबास और आप देखिए प्रो पंजा लीग आ रहा है जुलाई अठाईस से लेके अगस्त तेरा तक ओनली सोनी ऑन सोनी स्पोर्ट्स टेन थ्री सेवेन पीएम टू नाइन पीएम